सकते हैं। एक बड़ी खबर बता दें, महाराष्ट्र के संभाजीनगर से बड़ी खबर मिल रही है। संभाजीनगर के किराटपुरा में हिंसक झड़प हुई है, दो गुटों में पथराव हुआ है, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस लाइन में भी उपद्रवियों ने आग लगा दी है। भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो वहीं पुलिस ने कहा है कि अभी स्थिति शांतिपूर्ण है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के संभाजीनगर से मिल रही है, जहां पर किराटपुरा में हिंसक झड़प हुई है, दो गुटों में पथराव हुआ और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है। सीपी साहब किधर है? रात 12:30 बजे के करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराटपुरा में, और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को बल का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से निकाल दिया है। अभी यहाँ पूरी शांतता है, और आज दिन भर जो रामनवमी के निमित्त कार्यक्रम होने वाले हैं, वो सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप शांति से, उत्साह के साथ अपना कार्यक्रम सेलिब्रेट करिए।